हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपने ससुराल से आज मायके जाने वाले हैं और लगभग 9 बजे हम अपने ससुराल से निकले थे और 10 बजे मायके पहुंचे थे। और 10 बजे के बाद फिर सबसे मिले जुले, उसके बाद फिर खाना वाना खाया, उसके बाद फिर हम ऊपर आ गए थे। ये आज हम लोग का तिलक की पूरी पैकिंग वगैरह करने वाले हैं रात को, और उसके पहले सारे भाई बहन जितने भी थे सब इकट्ठा करके थोड़ी सी मस्ती हुई और बच्चों को सुलाया गया, उसके बाद तिलक की तैयारी। बच्चा, ये किसका बच्चा है? अच्छा, दिखे। ये इस बच्चे का बच्चा है। शादी किसकी है? शादी किसकी है? बच्चे की। बच्चे भाई, इनकी शादी है? मासी पानी का ये है, थर्मासी मेरी शादी है। ये है चिंपा चिंपे, ये है चिंपा चिंपे। मेरी शादी सब सौ लोगों की परमिशन ना, पूरे YouTube को बुला रही है। 100 लोग परमिशन YouTube बुला रही है। इसकी कोरोना मास्क लगाओ यार, कोरोना चल रहा है। रो रहा है, कोरोना चल रहा है, बैठे हैं गंजी में। अरे मन डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, बस हम लोगों की यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती हुई, उसके बाद हम लोगों ने जो भी तिलक पे गिफ्ट वगैरह जाने थे उसकी पैकिंग वगैरह की है। और आपको हम अपने अपनी सारी पूरी फैमिली से थोड़ा सा मिलवा देते हैं। तो सबसे पहले ये जो खड़ी हुई है वो है संस्कृति, मेरी दीदी की बेटी, और ये है मेरी बड़ी चाची, और उनके बगल में ये है तनु, मेरी बड़ी चाची की बेटी। ये चिंकी से छोटी है, जिसकी शादी उससे छोटी है। और ये है नेहा, मेरी छोटी बहन, और जो सलाम दिखा रहा है कर रहा है वो है जतिन, और ये है नितिन। और नितिन, जतिन और जिसकी शादी है चिंकी, ये तीनों मेरी छोटी चाची के बच्चे हैं। और बड़ी चाची के 2 बच्चे हैं, एक तनु को हमने मिलवा दिया है, और सन्नी जो है अभी था नहीं। और जो साड़ी में दिख रही है वो मेरी दीदी है। तो बस इतने ही जो लोग थे उनसे इंट्रोडक्शन करा दिया है। बच्चों में ध्रुव के अलावा जो एक बच्चा आपको दिख रहा था जिससे जतिन खेल रहा था, वो है लव, नेहा का बड़ा बेटा। और 2 महीने पहले उसका एक और बेटा हुआ है, वो छोटा सा बच्चा है जो गोद में नेहा ली हुई थी। और नितिन को भी उसी समय लगभग, मतलब कि 2 महीने पहले ही बेटी हुई है, विशा, तो बस जिसको वो गोद में लिया हुआ था। तो बस यही है, अभी जो जो लोग थे हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है। और अपने पापा से, चाचा लोगों से बाद में आपको मिलवाएंगे। चाचा अभी छोटे वाले सो रहे थे पूरा, क्योंकि काम यहाँ हो रहा था तो आग पे पट्टी उट्टी लगा के वो मतलब सो रहे थे। और बस यही सब चला है, रात भर पैकिंग वगैरह चली है। और सारी पैकिंग वगैरह फिनिश होने में लगभग सुबह के 4 बज गए थे हम लोगों को, ये सब करते करते। और उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे बस सोए थे, और सोने के बाद फटाफट उठ के फिर सबको तैयार होना था और तिलक के लिए तैयार होके हम लोगों को जाना था। और आपको दिख रहा होगा ये कि बस ये फाइनल पैकिंग आपको हम दिखा रहे हैं, ये सारी पैकिंग हो चुकी है और सब रखा जा रहा है कल के लिए। और हमने कहा था ना कि सुबह के 4 बज गए थे, तो ये देखिए टाइमिंग, हमने टाइमिंग भी रिकॉर्ड की है कि सुबह के 4 बज चुके थे ये सब होते होते। और समय देखिए, संस्कृति भी सो गई है, बगल में कुश है, लव बड़ा बेटा उधर सो रहा है, संस्कृति कुश साइड में नेहा का, और इधर कुश है, और ये मेरी छोटी चाची और चाचा सो रहे हैं। तो बस हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? तो मैं बहुत दिन बाद, आफ्टर 1 ईयर बाद मैं आ रही हूँ मौसी के चैनल पे। और यहाँ पे तिलक है, मतलब कि मौसी का तिलक है। तो गाइस यही था, आगे का हम लोग आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, ओके, जितना सूट हो सकता है, क्योंकि हम लोग सुबह से कोशिश कर रहे हैं सूट करने की, कुछ भी सूट नहीं हुआ है। और अभी ये देखिए रुको, और अभी जा रही है संस्कृति, अभी थोड़ी देर में आएगी, बाय कर, क्योंकि बाय, क्योंकि हम लोग नए यूट्यूबर है ना, इतना वो रहता नहीं है कि दिन भर शूट करें, ध्यान नहीं रहता। ओके बाय।
फ्रेंड्स हम लोगों के अलावा जो ब्लैक कलर के कुर्ते में दिख रहा है ना, वो है सन्नी, बड़ी चाची का बेटा। देखिए ये फिर से आया। तो ये सन्नी है जो हमने आपसे कहा था ना रात को मिलवाएंगे। और ये जो ब्लैक जो चश्मे में दिख रहे हैं वो मेरे बड़े चाचा हैं, और ध्रुव जिनकी गोदी में है वो मेरे पापा हैं। और लोगों से हम पहले ही आपको मिला चुके हैं, शाम को इंट्रोडक्शन सबका दे दिया था, सॉरी रात को। और बस ये तिलक चढ़ चुका है, उसके बाद का सीन है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, गेस्ट वगैरह सब खाना खाने गए हुए हैं, सबको भेजा गया है, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी जाएंगे खाना वाना खाएंगे। और ये है देखिए, ये हैं मेरे छोटे चाचा, अभी आपको हम दिखाते हैं। ये येलो कलर का जो कुर्ते में बैठे हैं ना, ये मेरे छोटे चाचा हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है, और नितिन की शादी भी पिछले साल ही हुई है, तो 2 साल में इन्होंने 2 शादियाँ की हैं फटाफट से। और यहाँ पे जो ध्रुव है, ध्रुव को यहाँ पे डांट पड़ रही है, और उसके बाद ध्रुव के पापा ने उसको एक बदमाशी सिखाई है, गुलाटी मारना, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, तो उन्होंने कहा वहाँ जाके तुम गुलाटी मारो, मतलब कर लिया मारो, तो बस वही कर रहा था। और उसके बाद ये हुई है इन लोगों की देत ताली, तो बस यही मस्ती चल रही थी। और सन्नी की भी शादी तय है, और मतलब अभी डेट फिक्स नहीं है, बस तय है, और वो भी अब बहुत ही जल्दी पड़ने वाली है। देखिए जब भी पड़ेगी तो अब हम उसकी शादी में ही जाएंगे, अब जब पड़े पता नहीं, गर्मी में पड़ेगी या ठंडी में, दिसंबर नवंबर दिसंबर फिर से आ जाएगा, पता नहीं। और ये डीजे पूरा खाली था, तो बस ध्रुव की मस्ती चल रही थी यहाँ पे, ध्रुव आराम से खेल रहे थे और डांस कर रहे थे। और ये लव को भी लाया गया था मस्ती के लिए, लेकिन वो भाग गया डर के मारे, मतलब उसको डर लग रहा था इस पे, जो गाना वाना ज़्यादा शोर हो रहा था ना, तो उसे डर रहा था वो। तो बस यही सब चल रहा था। और इसका तिलक है चिंकी, व्लॉग डालेंगे हम सब, ओके। ये देखो भाई छोटा सा एक और बच्चा, ये है हीरोइन, और ये है हीरोइन की मम्मी। हेलो गाइस, व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग। और ये है घर का सबसे नाराज लड़का और सबसे बड़ा अभी तक का, पूरा दिखाओ। ये है मेरा, हम लोग के घर का बाबू। का नाम ले दियो। सबसे छोटा बच्चा नहीं, आप कहाँ छोटा बच्चा, आप ये छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है पूरा। इसको बहुत ज्यादा जल्दी है अपनी सारी फोटो खिंचवाने की, और आपको इसके सारे 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 ब्लॉग दिखाए जाएंगे। और एक जन खाने में पूरी तरह से व्यस्त है, ये देखिए थाली भी खा जाएंगी मन करेगा तो, और ये खा के भागने वाली है क्योंकि इनको मालूम है कि इनका वीडियो बन रहा है, इसलिए खा के भाग रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए खाते हुए। और कोई बच्चा, हाँ ये है अभी मेरी इकलौती भाभी, मतलब हाँ, और उसकी छोटी सी बच्ची अभी 2 महीने की, अभी तो इकलौती है भाभी, मतलब मेरी छोटे भाई की वाइफ। इसका इनका भी शादी का व्लॉग पड़ा हुआ है चैनल पे, को बीच में करो, तुम लोग आकर पकड़ो, बीच में हो। हाँ कैसी लग रही है होने वाली नई नई दुल्हनिया, सुनो। और ये आ गए दुल्हन के भाई, और ये है इन्हीं की वाइफ और बच्चा। अब आप क्लियर हो गया होगा, हाँ बोलो। सब साथी में रेड लेंस, ये देखिए, ये है फोटो खिंचवाने के लिए बेचैन व्यक्ति, ब्लॉग बना रही दीदी। इनका मेकअप कंप्लीट नहीं होगा, 3 दिन में। वैसे है क्या लेडी संगीत, लेडी संगीत में जाते जाते इनका मेकअप कंप्लीट नहीं होने वाला है, होता रहेगा, जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगा।